Hello everyone and good evening. So today we are going to have session on very important section, and that section is first information report या फिर जिसको FIR भी बोलते हैं. तो ये FIR first information report क्या होती है, कब की जाती है, कौन करता है, कैसे करता है, किसके पास जाके करता है, उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन हम इसमें डील करेंगे आज की क्लास में. एंड आई विल ट्राई टू कवर जितना हो सकेगा, मैक्सिमम केस लो मैं इसी क्लास में करूं, क्योंकि देखो जब हम बात करते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की, FIR की, या सेक्शन 154 की, वेरी गुड इवनिंग भारत, तो वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके अंदर एन नंबर ऑफ केस लॉज आपको मिल जाएंगे. तो हम सारे केसेस तो नहीं पढ़ेंगे आज, कुछ थोड़े इम्पोर्टेंट केसेस हम लोग डील करने वाले हैं. तो बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो, आज का आपके पास ऑफ़र है, और ये ऑफ़र जो है वो आज के 12 बजने में 1 मिनट से पहले से है. वेरी गुड इवनिंग सुदेश जी, देवी जी. तो मतलब 11 PM तक, 59 मिनट्स तक आप ये यूज़ कर सकते हैं अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो. आज 24 मंथ्स के प्लस 6 मंथ आपको एडिशनल मिलने वाले हैं. तो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अगर आज आप जाते हो 24 मंथ्स के साथ आपको 6 मंथ फ्री, का मतलब हमको कितने मिल गए, हमको 24 के साथ 630 जो है मंथ्स मिल गए, और वो कितने रुपए में मिल रहा है, 55,660 रुपीज़ के अंदर हमको मिल रहा है. और प्राइस हाइक होने वाली है, तो प्राइस हाइक हो उससे पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी आपके पास टाइम है, 2-3 घंटे बचते हैं. यू कैन गो फॉर दिस 38,266 रुपीज़ का, मतलब 39 भी पूरे नहीं है, आपको 12 महीने प्लस 33 मंथ्स यानी 15 महीने आपको मिल जाएंगे 38,266 रुपीज़ में. और 6 महीने के लिए जाते हो तो 6 महीने में 1 महीना फ्री है, मतलब 7 महीने हो गए, 27,830 रुपये है. और ये सिर्फ आज के लिए है. आज में भी आपके पास सिर्फ 3-4 घंटे बचे हैं 12 बजने में 1 मिनट पहले से तक ये ऑफ़र वैलिड रहेगा. और आप मेरा कोड लगा लेना ARCHNA जो आपको इस चैनल पे दिख रहा है, इसी कोड के साथ आपको 20% ऑफ और ये जो बेनिफिट मैंने आपको बताया, 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे आपको 6 महीना फ्री, यानी आपको 56,000 भी नहीं पूरे देने होंगे, जबकि 30 महीने मान्य रखते हैं आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी. मतलब हो सकता है ईश्वर ने चाहा तो आपका जुडिशरी भी क्रैक ही हो जाए इसी दौरान 30 महीने के अंदर, बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है ना. तो ये सिर्फ 56,000 से भी कम, मतलब 55,660 रुपीज़ में आपको पड़ रहा है ये. तो कोड है ARCHNA, यस कोड है ARCHNA. ये आप करिएगा गुड इवनिंग ओन, मुझे नाम तो नहीं समझ में आ रहा, प्लस सब्सक्रिप्शन लिया है बट यूज़ कैसे करूँ नो आइडिया. जो क्लासेस आपको देखनी है वो करिए आप. देखो मैं आपको बताती हूँ, आप जब अनअकैडमी की ऐप पर जाएंगे वहाँ आपको बहुत सारे जो है आपको कोर्सेज दिखते हैं, आप उसे एनरोल करिए, ठीक है. जैसे एक कोर्स अभी शुरू हुआ है 6 मंथ्स का, तो अगर आप जाते हैं अनअकैडमी की ऐप पर जाइए, वहाँ आपको कोर्स दिखेंगे, आपको कोर्स पर एनरोल करना होगा. जैसे ही आपने कोर्स में एनरोल किया, आप कोर्स के अंदर आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट दिखेंगे, तो जो जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो आप उनको जो है फोक कर लीजिएगा, उनमें एनरोल कर दीजिएगा. एनरोल करते ही, ठीक है, एनरोल करते, अच्छा थैंक यू सो मच कुणाल जी. एनरोल करते ही आपने क्या करना है, आपको वहाँ पे क्लासेस दिख जाएंगी. और अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक चल रहा है और हम 6 तारीख से पढ़ेंगे, मतलब अगस्त से आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं बिल्कुल. हाँ, नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो भारत बता रहा है. टीचर को भी फॉलो करना होता है और कोर्स को भी फॉलो करना पड़ता है, ठीक है. और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम का, तो वहाँ जाके आप मुझसे पूछ सकते हो. चलो अभी हम शुरू करते हैं अपन का चैप्टर 12 जो बात करता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मतलब हमारे CRPC के अंदर ये चैप्टर ऐसा है कि हमने अगर इसको पढ़ लिया तो मतलब हम अपने काफ़ी अच्छे मार्क्स एग्जाम में जो है अश्योर करके आ सकते हैं. जिसमें सेक्शन 154 से लेके 176 तक दिया हुआ है, प्री ट्रायल प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस के अंदर ही आता है. चैप्टर 12 है और ये जो नोट्स इसमें आपको दिखेंगे स्लाइड्स में, वो सारे नोट्स लिए गए हैं केलकर जो बुक आती है ना, केलकर जो बुक आती है अपन के पास CRPC की, उसमें से ये जितने भी लिए हुए हैं.
जो भी नोट्स आपको सामने दिखेंगे वो केलकर बुक से लिए हुए हैं, सीआरपीसी की जो बुक आती है, राइट। तो अभी हम आप पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 154 एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है। देखिए आप जो लोग पढ़ते हैं सीआरपीसी उनको पता होगा कि एफआईआर जैसा कोई शब्द हमारे सीआरपीसी में नहीं है, है ना। एफआईआर जैसा कोई शब्द हमारे सीआरपीसी में है ही नहीं, वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि कॉग्निजेबल केसेस के बारे में है और उसी के बारे में 154 बात करता है, और उसको आम बोलचाल की भाषा में एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बोल दिया जाता है। तो उसको शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले एक भूमिका बना लेते हैं, एक नींव शुरू करते हैं। तो सेक्शन 2 की क्लोज बी की बात करते हैं हम। सेक्शन 2 की क्लोज एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन की जब मैं बात करूं, बी तो नहीं आएगा, इन्वेस्टिगेशन ये गलत लिखा हुआ है। जब हम सेक्शन 2 की क्लोज, आई डोंट नो कि यहाँ पर बी कैसे लिख दिया, बी का मतलब तो चार्ज है, जो क्लोज बी है वो वहाँ पे जो है चार्ज आती है, ये एच आती है। जब हम क्लोज 2 की, सेक्शन 2 की क्लोज एच पढ़ते हैं, मिस्टेकनली ये लिखा गया बी, बी नहीं है एच है, ठीक है। इन एच जो है वो इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करता है, और इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन का मतलब सारी प्रोसीडिंग्स वो जो है सीआरपीसी में की जाती है। किस लिए की जाती है? एविडेंस कलेक्शन करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो सीआरपीसी के अंदर क्यों किया जाता है? एविडेंस कलेक्ट करने के लिए किया जाता है, कलेक्शन करने के लिए किया जाता है ऑफ एविडेंसेस, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है? पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाता है, और या फिर उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिसको मजिस्ट्रेट अथोराइज करते हैं, मगर वो क्या होता है, वो मजिस्ट्रेट को अथोराइज नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी भी व्यक्ति को अथोराइज किया जा सकता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, लेकिन किसी मजिस्ट्रेट को इन्वेस्टिगेशन नहीं करने के लिए बोला जाएगा। इन्वेस्टिगेशन हमेशा कौन करेगा? हमेशा जो होगा कोई पर्सन कर सकता है, पुलिस और अदर पर्सन हुम मजिस्ट्रेट हैज एम्पावर, जिसको एम्पावर किया है, लेकिन मजिस्ट्रेट जो करेंगे वो इंक्वायरी होती है, जिसको हम सेक्शन 2 की क्लोज आई में पढ़ते हैं, ठीक है। इंक्वायरी जो होती है, इंक्वायरी जी जी इंक्वायरी जी जी में पढ़ते हैं, सॉरी हाँ क्या हो गया, इंक्वायरी हम पढ़ते हैं जी में, है ना, इंक्वायरी जी में पढ़ते हैं। 2 आई में हम लोग जुडिशियल प्रोसीडिंग पढ़ते हैं, 2 आई में हम लोग जुडिशियल प्रोसीडिंग पढ़ते हैं, और इंक्वायरी जो है हम जी में पढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं, इन्वेस्टिगेशन कहाँ? इन्वेस्टिगेशन जी में पढ़ते हैं। इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब होता है? इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या आता है? इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले ऑन द स्पॉट, उस स्पॉट पे जाना, उस जगह पे जाना जहाँ पर ऑफेंस हुआ है, फिर उसके बाद में जो केस से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, सरकमस्टांसेस हैं, उन्हें निश्चित करना, डिस्कवरी करना, अरेस्ट करना, अगर लगता है कोई संदेहास्पद व्यक्ति है, ऑफेंडर है, तो उसको पकड़ के लेकर के आना, ये इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस में ही आता है। इसके अलावा जो भी वहाँ पर जो गवाह दिखाई दे रहे हैं उनसे गवाह ले लेना, गवाही ले लेना, जो एविडेंस दिखाई दे रहे हैं, सबूत दिखते हैं, उन सबूतों को कलेक्ट कर लेना, ये सारी की सारी बातें इन्वेस्टिगेशन में आ जाती हैं। हालांकि जब हम सेक्शन 2 की क्लोज एच को पढ़ते हैं जहाँ इन्वेस्टिगेशन डिफाइन है, तो वहाँ ये सब चीज़ें नहीं दिखी हुई हैं, लेकिन ये सारी बातें हमें पुलिस एक्ट में दिखाई देती हैं कि पुलिस की ड्यूटी है कि उसको ये काम करना है, ऑन द स्पॉट जाना है जहाँ घटना हुई है, वो फैक्ट्स कलेक्ट करने हैं, सरकमस्टांसेस केस की देखनी है, अगर कोई सस्पेक्टेड ऑफेंडर है तो उसको अरेस्ट करना है, एविडेंस कलेक्ट करने, सारे काम करने होते हैं पुलिस को, व्हेनेवर ए पुलिस ऑफिसर और पर्सन हुम हैज बीन एम्पावर्ड बाय मैजिस्ट्रेट इज गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द केस, तो उनको ये सब कार्य करने होते हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर आता है एविडेंस में क्या क्या चीज़ें आती है, बट ऑब्वियसली बात है जो लोग वहाँ पर हैं उनके स्टेटमेंट कलेक्ट करना, फिर उसको लिख लेना, ठीक है। वहाँ पे अगर कोई चीज़ें दिख रही हैं तो उन प्लेस को सर्च करना, सीज़ कर लेना जो चीज़ें उन्हें लगती हैं कि सीज़ करनी चाहिए, फिर वो एक क्या करना, उसके बाद में अल्टीमेटली उन्हें क्या करना है कि जो भी हमने मटेरियल कलेक्ट करा है, क्या ये मटेरियल से इस व्यक्ति के खिलाफ केस बनता है, तो अगर केस बनता है तो फिर उसको हमने क्या कर लेना है, चार्जशीट फ्रेम कर देनी है पुलिस ने सेक्शन 173 के अंदर, ये हमें अच्छे से पता है, चार्जशीट फ्रेम कर देनी है किसको, मजिस्ट्रेट के पास भेजने के लिए। तो दो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स आते हैं इन्वेस्टिगेशन में, सबसे पहले डिस्कवरी करना, फैक्ट्स के बारे में पता लगाना, और दूसरा जो भी संदेहास्पद व्यक्ति होता है, ऑफेंडर होता है, उसको जो है क्या कर लेना, अरेस्ट कर लेना, उस जगह को ढूंढना जहाँ पे हमें लगता है कि वो ऑफेंस से रिलेटेड जो हमें क्या मिल सकती हैं, चीज़ें मिल सकती हैं, तो वो हमें हेल्प करेंगे इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में, ट्रायल में, उन चीज़ों को जब्त कर लेना, सीज कर लेना, और उन प्लेसेस को सर्च करने के बाद में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लो हमारे पास है, वो है सतविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, ध्यान रखिएगा इसको, सतविंदर कौर वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली,
ठीक है, 1999 का केस है ये। केस में क्या हुआ था, इस केस में कहा गया क्या, एक व्यक्ति, मतलब व्यक्ति क्या, पुलिस ऑफिसर जिसके की हम बात करते, जिसके की एरिया में क्राइम नहीं हुआ, तो क्या वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। क्वेश्चन ये आया था कि पुलिस ऑफिसर ऑफ स्टेशन, क्या उसके पास ये पावर है कि वो ऐसे क्राइम में इन्वेस्टिगेशन करे जो उसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हुआ है। तो इस केस में हाँ में उत्तर देते हुए ये कहा गया कि जब ये केस हुआ था, मतलब कंप्लेन जो जहाँ पे वो अपराध हुआ था, ओरिजिनल कंप्लेन जो बनाई गई थी पेटिशनर के द्वारा, वो पटियाला में बनाई गई थी, लेकिन बाद में एक और कंप्लेन फाइल हुई दिल्ली पुलिस स्टेशन ने, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है एज पर सेक्शन 177 और 178। तो रियली वेरी इंपॉर्टेंट केस कि क्या ऐसे एरिया में जहां पर कोर्ट की, जहां पर की पुलिस वाले के पावर, मतलब पुलिस के एरिया में अगर क्राइम नहीं हुआ है, तो क्या वो व्यक्ति यानी पुलिस ऑफिसर क्या उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो आंसर है हाँ, सतविंदर कौर वर्सेस स्टेट का केस है। अब इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो अब ये मैक्सिम है, मैक्सिम का अगर प्रोनंसिएशन गलत हो तो मैं पहले से ही सॉरी कह देती हूँ। कॉन्ट्रा वेरिटातिम लेक्स नुमाक्वाम एलिक्विद परमिटेड, इसका मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में कहा है कि ये कोर्ट की ड्यूटी होती है कि वो ये देखे कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, वो फ्रूटफुल रही है, फेथफुल रही है, यानी कि कोर्ट जिन भी इन्वेस्टिगेशन पे एक्शन लेगी, दैट इन्वेस्टिगेशन शुड बी फेथफुल एंड फ्रूटफुल। ठीक है, इट इज़ अ राइट ऑफ द एक्यूज कि उसको फेयर इन्वेस्टिगेशन उसके खिलाफ हो। रिलेशनशिप बिटवीन पुलिस एंड जुडिशरी की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है, क्योंकि जो भी पुलिस कलेक्ट करके एविडेंस लेकर के आती है, चार्जशीट जो फाइल करती है 173 में, दैट इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर द मजिस्ट्रेट इन केस ऑफ इंक्वायरी और इन केस ऑफ ट्रायल। तो इसीलिए पुलिस और जुडिशरी का इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के दौरान जो रिलेशनशिप होता है, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ कमीशन 41st रिपोर्ट जो आई थी, जिसके थ्रू हमारे पास सीआरपीसी आया, वहाँ पे भी ये बात की गई कि मजिस्ट्रेट इज कैप्ट इन द पिक्चर एट ऑल स्टेजेस ऑफ द पुलिस इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, कि अगर जो है मजिस्ट्रेट को हम अगर पिक्चर में रखते हैं कि वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान है, तो बिल्कुल सही है, उसको वो रहेगा। ऑब्वियसली बात है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो 164 के बयान भी लिए जाएंगे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो अगर कस्टडी लेनी है तो 167 में कस्टडी लेने भी जाएगा। तो मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस तो है ऑल ओवर द टाइम, पूरे इन्वेस्टिगेशन में है, लेकिन मजिस्ट्रेट जो होंगे वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर कहीं पर लगे कि किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंच रहा है, तो उस केस में तो वो बिल्कुल उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन जनरली पुलिस इज अलाउड टू इन्वेस्टिगेट लाइक, मतलब फ्रीली इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो यहाँ पर एम्पावर्ड है। एस के हसीब वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1972 का ये केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस, क्योंकि जब आप अपने एग्जाम में लिख करके आओगे कि भाई FIR पे क्वेश्चन आ जाएगा, तो FIR का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट FIR क्या ये है कि इन्फॉर्मेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई क्रिमिनल लॉ को मोशन में लेके आना, मतलब FIR इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है, पहला स्टेप होता है जिसके थ्रू आगे का प्रोसीजर चलेगा, यानी कॉग्निजेबल केस है, संज्ञेय अपराध है, उस अपराध में पहला स्टेज जो होगा वो यही होगी कि वो इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुंची और पुलिस आगे का एक्शन लेगी। बहुत सिंपल सी बात है, 190 के अंदर जब किसी जो सीआरपीसी के अंदर 190 में एक मजिस्ट्रेट संज्ञान पुलिस रिपोर्ट पे भी ले सकता है, कंप्लेन भी ले सकते हैं, और अपने आप जो उनके पास जो ये बात संज्ञान में आएगी किसी और इन्फॉर्मेशन के थ्रू, या वो खुद ही देखते हैं, तो उससे भी वो संज्ञान ले सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं FIR की, तो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप जो क्रिमिनल लॉ को मोशन में लेके आता है। अब हम बेयर एक्ट से एक बार पढ़ लेते हैं कि बेयर एक्ट क्या कहता है। 154 जो है अपन का सेक्शन, जिसमें कहते हैं कि FIR डिफाइन है, तो भाई FIR डिफाइन है नहीं, ये बात हमें बहुत अच्छे से समझनी होगी कि FIR तो डिफाइन है नहीं। वहाँ क्या किया हुआ है, ये डिफाइन किया गया है कि इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल केसेस में, FIR कहीं पर डिफाइन नहीं है। इट इज अबाउट इन्फॉर्मेशन विच हैज टू बी गिवन टू द पुलिस ऑफिसर इन केस ऑफ कॉग्निजेबल केसेस। तो सिर्फ संज्ञेय अपराधों में, यानी जहां पर पुलिस को एम्पावर किया गया। अब ये संज्ञेय अपराध क्या होते हैं, ये अपन के फर्स्ट कैड्यूल में सीआरपीसी में मेंशन किए गए हैं कि कौन से अपराध कॉग्निजेबल होंगे और कौन से अपराध नॉन कॉग्निजेबल होंगे। तो जो कॉग्निजेबल केसेस होते हैं, जहां पुलिस को एम्पावर किया गया है कि 41 में अपन पढ़ के आए सेक्शन 41 के अंदर कि वो क्या कर सकते हैं, उनमें मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना भी क्या कर सकते हैं, वो व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन
क्या एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, अब संज्ञेय अपराध हुआ है, उसके संबंध में दी जाती है पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को, ऑफिसर इंचार्ज को दी जाती है। अगर ओरली दी हुई है, देखो अगर लिखित में दी है तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन अगर वो ओरली दी है तो उस केस में वो उसको लिख लेंगे। जैसे अगर मैंने कि कोई बात बतानी है पुलिस में जाकर, तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे हुआ, तो पुलिस उसको ऑफिसर इंचार्ज ऑफ स्टेशन क्या करेगा, लिखेगा। और अगर वो खुद नहीं लिखेंगे तो वो किसी को, अपने किसी को बोलेंगे भाई लिखो इसकी ये रिपोर्ट है, फिर वो इन्फॉर्मेशन को पढ़कर सुनाई जाएगी। इसमें ईच एंड एवरी थिंग इज रिगार्डिंग शैल, ठीक है, शैल वर्ड यूज है मैंडेटरी, यानी ईच एंड एवरी प्रोविजन विच वी आर गोइंग टू रीड ईयर या विच वी आर गोइंग टू स्टडी ईयर इज वॉट मैंडेटरी। कुछ भी पुलिस ऑफिसर की अपनी मर्जी नहीं चलने वाली है, राइट। तो पुलिस ऑफिसर के पास जब भी एक व्यक्ति इन्फॉर्मेशन लेके पहुंचता है, तो अगर वो ओरली यानी मौखिक दे रहा है वो इन्फॉर्मेशन, वो सूचना, तो पहला कर्तव्य है ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन का ये है कि वो उसको लिखेंगे, या तो खुद लिखेंगे या वो किसी को अपनी डायरेक्शन में लिखवाएंगे, और पढ़ करके सुनाएंगे भी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो जो लिखा है ना हमने, वो इन्फॉर्मेशन जिसने दी है यानी इन्फॉर्मेंट जिसने सूचना दी है, उसको बताया भी जाएगा कि भाई हमने ये लिखा है, इज इट करेक्ट। और जो भी इन्फॉर्मेशन हमने लिखी, वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस इन राइटिंग, मैंने आपको बताया अगर मैंने लिखित में दे दी तो वो तो रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर मैंने ओरली बोली है तो वो लिखेंगे फिर उसको, तो उसमें लिखने के बाद, लिखवाने के बाद उस पर जिस व्यक्ति ने सूचना दी है उसके सिग्नेचर होंगे, और जो भी उसका सब्सटांस है, सब्सटांस का मतलब सार, जो सार है कि ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इस बंदे ने दी है, उसको एक बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा पुलिस डायरी के अंदर, ऑफिसर इन सच फॉर्म, जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट बताती है कि भाई आपको किस तरीके से लिखना है। तो ये कहता है सबसेक्शन वन कि जो भी इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित है, अगर वो ओरली दी जाएगी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, तो वो उसको पहले लिखेंगे या लिखवाएंगे, और फिर उसके बाद में वो पढ़कर सुनाएंगे जिसने दी है, पढ़ के सुनाने के बाद में वो उसके साइन भी लेंगे, और सब्सटेंस को एक बुक, जिससे यहाँ पर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट किया गया है कि आपको इस तरीके से लिखना है, उस बुक में वो ये लिख लेगा। दिस इज रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, इन ईच एंड एवरी पॉइंट हेयर इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज इंपॉर्टेंट एंड इज मैंडेटरी। कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब उसको लिखवाना ज़रूरी है, लिखित में होना ज़रूरी है, उसे पढ़ के सुनाना ज़रूरी है, उसको साइन कराना ज़रूरी है, सब्सटेंस भी एंटर करने ज़रूरी हैं। तो ये चारों बातें ज़रूरी हैं, इसमें से कुछ भी बात अपनी मर्जी से हटा नहीं सकते। फिर आगे कह रहा है प्रोवाइजो कि अगर महिलाओं से रिलेटेड अपराध हैं और उनकी सूचना दी जाती है, कौन से अपराध, 326A(b) वाले, ठीक है, इसके अलावा 354 वाले अपराध, 376 वाले अपराध, 509 का अपराध, जो महिलाओं के अगेंस्ट जो अपराध हुए हैं, तो उस केस में जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी जहाँ तक पॉसिबल होगा, या यहाँ तक पॉसिबल होगा या एवरी टाइम होगा, तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर भी मस्ट है, राइट, यहाँ पर भी मस्ट है, यानी कि वो रिकॉर्ड की जाएगी, कंपलसरी है कि वो इन्फॉर्मेशन, वो सूचना एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही रिकॉर्ड की जाएगी, और बाय एनी वुमेन ऑफिसर, बाय एनी वुमेन पुलिस ऑफिसर या बाय एनी वुमेन ऑफिसर, उनके द्वारा ये जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों की सूचना जब आती है तो उसको रिकॉर्ड कौन करेगा, महिला पुलिस ऑफिसर करेगी। फर्दर प्रोवाइजो कहता है कि अगर एक व्यक्ति, या व्यक्ति नहीं महिला कहूंगी मैं, एक मिनट, एक महिला जिसके खिलाफ अपराध हुआ है, कौन सा अपराध, ये अपराध महिलाओं से संबंधित जो अपराध होते हैं, अभी हमने पढ़े 354 वाले अपराध, या 376 वाले अपराध, 509 वाला अपराध, तो अगर एक महिला के खिलाफ होता है और कमिट किया गया या अटैम्प्ट भी किया गया, महिला के खिलाफ हुआ या फिर इसकी कोशिश की गई, और वो महिला, देखो, इन द इवेंट दैट पर्सन अगेंस्ट हुमेन ऑफेंस अंडर सेक्शन इज डन एलिज टू हैव बिन कमिटेड अटेम्प्टेड, तो वो महिला जो है वो टेम्पररली, यानी कि कुछ पर्टिकुलर टेम्पररली या फिर परमानेंटली, अगर वो महिला मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, मतलब विक्षिप्त है और वो आ नहीं सकती है पुलिस स्टेशन में, तो जो इन्फॉर्मेशन होगी ना, पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, उन्हीं के रेजिडेंस पे जाके रिकॉर्ड करेंगे, या फिर ऐसी जगह पे जो भी, वो भी उनके लिए कन्वीनियंट हो, पर्सन की चॉइस पे, जो भी वो कहते हैं कि इस जगह पे हम रिकॉर्ड करवाएंगे। और वहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि वहाँ एक इंटरप्रेटर का होना भी ज़रूरी है, यानी जो इंटरप्रेट करेगा कि वो क्या बोलना चाह रही है, क्योंकि अगर मेंटली डिसेबल्ड है तो हो सकता है वो चीज़ें अच्छे तरीके से ना बोल
पाए, जो पुलिस ऑफिसर समझ पाए, या पुलिस ऑफिसर जो बताना चाह रहे हैं वो नहीं समझ पाए वो, तो इंटरप्रेटर का होना ज़रूरी है, या फिर एक स्पेशल एजुकेटर जो इस तरह की लैंग्वेज समझता हो वो उनका वहाँ होना, प्रेजेंट होना ज़रूरी है। और जो यहाँ पर इस तरीके की सूचना, मतलब एक मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड जो महिला है उनके खिलाफ अगर ये जो है ये रिकॉर्ड की ऑफेंस हुआ है और वो रिकॉर्ड हो रही है अगर FIR, तो उसमें वो वीडियोग्राफ होगा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, 354 374 की हमने बात करी, तो यहाँ पर लिखा है दैट द पर्सन अगेंस्ट हुम, तो इन्होंने महिला ना लिख करके लिखा पर्सन, ठीक है, तो अगर पर्सन लिखा है तो इसका मतलब जिसी के भी खिलाफ अपराध हो रहे हैं ये 354 और 376 वाले, तो उस केस में वहीं पर रिकॉर्ड किया जाएगा जहां पर व्यक्ति खुद कहता है कि मैं यहाँ कन्वीनियंट है मेरे लिए, यहाँ पर आप रिकॉर्ड कर लें। फिर अगर नेक्स्ट जो अपन पढ़ते हैं इसके अंदर क्लोज पढ़ते हैं अपन, सब क्लोज सी, वो कहता है कि पुलिस ऑफिसर जो स्टेटमेंट होगा ना वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा उनके सामने जो होगा रिकॉर्ड करवाएंगे 164(5)(a) सबसेक्शन अंडर क्लोज ए के अकॉर्डिंग उसको रिकॉर्ड करवाएंगे। अब सबसेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं कि जैसे ही FIR करवाई, ठीक है, जैसे ही FIR करवाई 154 के अंदर, तो FIR कराने के बाद जो FIR की कॉपी होती है तुरंत के तुरंत फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेंट को, सूचना देने वाले व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी इन्फॉर्मेंट ने, उसको यहाँ पे पुलिस ऑफिसर ने रजिस्टर कर लिया, रजिस्टर इन द सेंस अपनी बुक में लिख लिया, ठीक है, उसने जो है उसके साइन भी ले लिए, सबस्टांस भी लिख लिया और उसे पढ़ के भी सुना दिया। अब जो लिखा है ना उसकी कॉपी भी उस व्यक्ति को दी जाएगी जिस व्यक्ति ने इन्फॉर्मेशन दी है। अब सबसेक्शन 3 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये कहता है, इस पे मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी आप लोगों ने अगर देखी हो तो, ये कहता है कि अगर एक व्यक्ति अगर इस बात से अग्रीव्ड है, व्यथित है कि मैं ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास गया था अपनी अपनी परेशानी लेके, अपनी इन्फॉर्मेशन लेके, सूचना लेके, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ने मेरे को मना कर दिया, मेरे कहने पर रिपोर्ट नहीं लिखी, और ये कई बार हमें देखने को मिलता है कि पुलिस ऑफिसर इंचार्ज जो होते हैं कहते नहीं लिखनी, ऐसा हमने सुनते हैं, मतलब कि नहीं जो है वो लिखते हैं रिपोर्ट, तो उस केस में वो व्यक्ति क्या करेगा? तो उस केस में ये सबसेक्शन 3 कहता है कि वो व्यक्ति चाहे जिसकी रिपोर्ट लिखने के लिए पुलिस ने मना करी है, तो वो चाहे तो वो सबस्टांस को, सार को क्या करेगा, रिटिन में, लिखित में, पोस्ट के थ्रू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेज देगा। अगर वो इस बात से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ अरे ये तो इन्फॉर्मेशन जो है वो वास्तव में हाँ जी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, आई नो, बस ठीक है, मैं दोबारा से तब सबसेक्शन 3 बोलती हूँ। तो कोई भी पर्सन जो इस बात से अग्रीव्ड है, व्यथित है कि अरे मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी, मैं रिपोर्ट लेके गया था लेकिन उन्होंने लिखी नहीं, मैं रिपोर्ट लेके तो गया लेकिन पुलिस ऑफिसर ने मेरे कहने पर रिपोर्ट नहीं लिखी है, उन्होंने मना कर दिया रिपोर्ट लिखने से, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? तो वो पोस्ट पे जो पोस्ट के थ्रू क्या करेगा? एक मिनट बच्चा, एक मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है, तो सबसेक्शन 3 पे चलते हैं। तो सबसेक्शन 3 क्या कहता है? वो व्यक्ति जो इस बात से व्यथित है कि अरे मैं अपनी इन्फॉर्मेशन लेके गया पुलिस स्टेशन लेकिन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने लिखने से मना कर दिया, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? तो वो सबस्टांस यानी सार जो है उस इन्फॉर्मेशन का पोस्ट के थ्रू, रिटिन में, पोस्ट के थ्रू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास भेज देगा। वो अगर उस इन्फॉर्मेशन से समझ जाते हैं कि हाँ वास्तव में कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो या तो खुद इन्वेस्टिगेट कर लेंगे या फिर वो इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए डायरेक्ट कर देंगे किसी पुलिस ऑफिसर को जो उनके सबॉर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है। और जिस भी पुलिस ऑफिसर को यहाँ पर डायरेक्ट किया गया है उनके पास वो सारी पावर होंगी जो कि उस पुलिस स्टेशन के पास है जिसके पास जो कि होता जहाँ पे जिसके पास संज्ञान लेने की पावर थी। सिंपल है, वो SV के पास जाएंगे। और ये हमने आपको पहले भी, ये भी मैंने आपको शॉर्ट में पढ़ाया हुआ है, अगर आपने मेरी शॉर्ट वीडियो देखी होगी, कि इसके बाद का स्टेप क्या होगा। इसके बाद का स्टेप इन द सेंस कि अगर व्यक्ति जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास गया, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने भी मना कर दिया, फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में वो क्या करेगा, है ना? उस केस में वो व्यक्ति किधर जाएगा फिर?
तो उस केस में 156 के सबसेक्शन 3 कहता है कि वो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, और मजिस्ट्रेट जो होंगे ना वो क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट जो होंगे वो एम्पावर्ड है, वो क्या कर सकते हैं, वो उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकते हैं, किसी भी पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकते हैं। मतलब कंप्लेन करने के लिए चला गया वो व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास में, कंप्लेन करेगा कि मेरी पुलिस ने रिपोर्ट नहीं करी, फिर यहाँ पे मजिस्ट्रेट जो होंगे वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल देंगे, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल देंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए 156 के सबसेक्शन 3 के अंदर। तो ये हमने ऑलरेडी आपको शॉर्ट वीडियो में पढ़ाया था कि अगर वहाँ पे भी बेचारे का काम नहीं होता तो फिर वो हाँ वहाँ पर जाके कर लेगा, राइट। तो वी हैव डन दिस वन। अब आगे चलते हैं केस लॉ के साथ में। ऑब्जेक्ट क्या है एफआईआर का क्रिमिनल प्रोसीडिंग में? तो ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले तो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग का बेस है जहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इससे मैजिस्ट्रेट को भी पता लग जाता है कि अच्छा इस व्यक्ति के खिलाफ इस तरीके का ऑफेंस हो रहा है। तो जुडिशियल अथॉरिटी जिनके सामने केस ट्रायल होगा उन्हें फैक्ट सरकमस्टांसेस सब पता चल जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी लूप होल्स हैं कहीं पर भी, अक्यूज के अगेंस्ट कुछ भी गड़बड़ घोटाला है, तो वो से भी अपना डिफेंस बनाने में मदद मिल जाएगी। और ये कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस है या नहीं इस चीज़ को देखने को अश्योर करता है। एफआईआर के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, विक्टिम का नाम, एड्रेस, प्रिसाइज डेट, टाइम, किस जगह ये ऑफेंस हुआ, जो भी फैक्ट होंगे ऑफेंस से रिलेटेड, क्या फैक्ट हैं, क्या तथ्य हैं, अपराध बताओ क्या अपराध है, किस टाइम हुआ, ये सारी डिटेल, कौन व्यक्ति इसके अंदर इन्वॉल्व थे, किस जगह पर हुआ, लोकेशन ऑफ द ऑफेंस, सारी चीज़ें एफआईआर में होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है, मुझे कमेंट में बताना। मैंने यहाँ सिर्फ ये लिखा है यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 का केस है। मॉक टेस्ट में मैं काफ़ी बार इस केस को करवा चुकी हूँ, तो आप मुझे फटाफट जल्दी से बताओ इसके अंदर इस केस में ये कहा गया था कि एफआईआर जब पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हो जाती है, हाँ अगर सेंसिटिव नेचर की है तो अलग बात है, मतलब जिससे कि किसी की पब्लिक डिफेमेशन हो सकती है या किस तरीके का कोई सेंसिटिव इशू है, तो उस वे में तो आपको रजिस्टर उसको है जो है अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज हर केस में एफआईआर जब आती है तो उसको स्टेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ पर अपलोड किया जाएगा। कितने दिन में, दिन के अंदर अंदर, कितने घंटे के अंदर अंदर किया जाएगा, फटाफट मुझे लिख के बताओ। हाँ बिल्कुल मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी सीआरपीसी की प्लेलिस्ट में। फटाफट मुझे क्विकली आंसर करो, फटाफट करो, इतना टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी बताओ कितने दिन के अंदर, कितने दिन घंटे के अंदर अंदर एफआईआर जो है अपलोड हो जानी चाहिए स्टेट में, स्टेट वेबसाइट पे। ये मैंने आपको कई बार कराया हुआ है केस, ठीक है, बताओ। यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर क्या गया, जो भी एफआईआर रजिस्टर होती हैं उनको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा वेबसाइट पर, कितने घंटे के अंदर अंदर बताओ फटाफट, जल्दी मुझे कमेंट में आंसर दो, फिर आगे चलती हूँ मैं तब तक। तो ऑब्जेक्ट क्या है इंफॉर्मेशन रजिस्टर करने का, अरे कितने घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे, 32 घंटे, 30 घंटे या 1 महीना, एफआईआर जब भी रजिस्टर होती है उसके कितने घंटे के अंदर अंदर अपलोड होनी है वेबसाइट पर, फटाफट बताओ। बहुत बार कराया बच्चों ये क्वेश्चन मैंने। ऑब्जेक्ट क्या है इसका रजिस्टर कराने का, इन्फॉर्मेशन यही है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है वो एम्बेलिशमेंट के थ्रू नहीं हुआ, देर कैन नॉट बी एनी एम्बेलिशमेंट, कि एक बार अगर हमने रजिस्टर करा लिया तो फिर उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती है ना, फिर क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, छेड़छाड़ नहीं होगी, इसीलिए उसको रजिस्टर, यस 24 घंटे के अंदर अंदर, वेरी गुड, हाँ 24 घंटे के अंदर अंदर। एक और केस हमारे पास है स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस आर के श्रीवास्तव 1989 का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो भी एलिगेशंस एफआईआर में बनाई जाती हैं, इफ दे आर टेकन एट देयर फेस वैल्यू एंड एक्सेप्टेड इन देयर एंटायरिटी डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो होंगी ना एफआईआर के बेस पे जो शुरू हो रही है वो क्वैश भी हो सकती हैं। दोबारा से बता रही हूँ, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज आर के श्रीवास्तवा 1989 के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर एफआईआर में बनाए गए एलिगेशंस आरोप अगर वो उनकी फेस वैल्यू पे हमें दिखते हैं और अगर हम पूरी तरीके से देखें तो उससे कहीं से कहीं तक भी ये समझ में ही नहीं आता कि अपराध हुआ है, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो एफआईआर में हुई है वो क्वैश भी हो सकती है। फटाफट मुझे अगर सेक्शन लिख सकते हो कौन से सेक्शन में एफआईआर को क्वैश कराया जा सकता है, कौन से सेक्शन में एफआईआर को रद्द करवाया जा सकता है,
क्विकली आंसर दीजिए। लक्ष्मण वर्सेस स्टेट 1973 का केस है। अगर ओरल इन्फॉर्मेशन जो कि अपराध से रिलेटेड है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, वो पुलिस ऑफिसर को, इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को दिया जाता है, बट द सेम इज नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है, मुझे क्विकली आंसर दीजिए कि जो है FIR को कौन से सेक्शन में क्वैश कराया जा सकता है, रद्द कराया जा सकता है। अगर FIR, यस 482 में, बिल्कुल सही, इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट, तो अगर किसी के खिलाफ झूठी FIR होती है तो 482 में जाकर के उसको क्वैश करवा सकता है। तो लक्ष्मण वर्सेस स्टेट 1973 का केस है। यहाँ पे कहा गया कि अगर ओरल इन्फॉर्मेशन मिलती है किस तरीके का एक संज्ञेय अपराध हुआ है, वो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को दिया जाता है, बट अगर उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता और पुलिस ऑफिसर क्या चला जाता है, देखो सिंपल सी बात है, एक बंदे ने इन्फॉर्मेशन दी, जैसे अगर मैं पुलिस के पास गई कि फलां फलां जगह पे ऐसे ऐसे कुछ हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, चोरी हुई है मान लो, ठीक है, मैं पुलिस के पास गई, मैंने पुलिस को ऑरली बोल दिया। अब पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने उस चीज़ को लिखा नहीं, ठीक है, पुलिस ने वो चीज़ लिखी नहीं, लेकिन पुलिस चली गई वहाँ पे एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, वहाँ विटनेस करेक्ट कर लिए, ठीक है, तो क्या ये FIR में आएगा, आंसर इज नो। क्या ये FIR में आएगा, आंसर इज नो। जब तक वो जो स्टेटमेंट, मतलब जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी, जब तक वो लिखी नहीं और उसके बाद एक्शन लिएगा दिए जाएगा, दैट अमाउंट्स टू FIR। लेकिन स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली और उसके बाद अगर के लिख रहे हो तो दैट इज़ नॉट FIR। FIR इज वॉट, जब इन्फॉर्मेशन दिख दी पहले उसको लिखो, क्योंकि शैल वर्ड इस्तेमाल किया गया है 154 के सबसेक्शन 1 में कि रिकॉर्ड की जाएगी, लिखी जाएगी, अगर लिखित में है तो वेल एंड गुड है, लिखित में नहीं है तो पहले उसको लिखो, उसको साइन करवाओ, इन्फॉर्मेशन पढ़ के सुनाओ, उसका सब फोर्थ भी तुरंत के तुरंत कॉपी भी दो, फिर जाके आप एविडेंस कलेक्ट करने जाओ। अगर बिना लिखे भाग गए जो है विटनेस कलेक्ट करने के लिए, स्टेटमेंट कलेक्ट करने के लिए, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, तो ये FIR में नहीं आएगा, क्योंकि FIR अनरिकॉर्डेड थी, तो ओरल इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपने जाके करेक्ट करी तो FIR में नहीं आएगा। हाँ वो अलग बात है, अगर इमरजेंसी हो तो वो किसी तरीके से कैन बी, मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट हो गया तो भाई ऐसा ही होगा, बट कभी इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाती है, इन दैट सेंस हम उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, बाद में लिख ली, लेकिन स्टिल ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि लिखना ही पड़ेगा। पट्टद अमरप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1989 का केस है। यही वही वाली बात है मैंने जो आपको बताया, इस केस में यही हुआ कि पुलिस ऑफिसर उस सीन पर जहां पर रूमर्स फैली हुई थी कि भाई यहां पर जो है इस तरह से कोई क्राइम हो गया, और उन्होंने वहां जाकर के स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड कर लिया। तो ये कहा गया कि अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए हैं और क्योंकि रूमर्स फैली हुई थी, तो उसको हम उसको FIR के तौर पर ले सकते हैं, मतलब एक ऐसे जगह पर चले गए जहाँ पर क्राइम की रूमर फैली, चली गई पुलिस ऑफिसर, वहाँ जाके लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा, तो उस स्टेटमेंट को FIR के तौर पे लिया जा सकता है। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस जिसके बिना हम सेक्शन 154 लिख के नहीं आएंगे, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2014 का केस। यहां पर पे कैटेगरिकली ये रूल किया गया कि 154 का सबसेक्शन 1 वो मैंडेटरी है और ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की ड्यूटी है कि जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास आती है जिससे कॉग्निजेबल ऑफेंस का पता चलता है, उन्हें वो रजिस्टर करनी ही पड़ेगी। दिस इज मैंडेटरी ऑन पार्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर, दे हैव टू रजिस्टर द FIR, दे हैव टू रजिस्टर द इंफॉर्मेशन विच डिस्क्लोजेज द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, इट इज मैंडेटरी ऑन देयर पार्ट, मतलब दे कैन नॉट से नो वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड इट, वो कर ही नहीं सकते मना, अगर मना करते हैं तो 154 का सबसेक्शन 3 हमारे पास आई। तो हालांकि जब नो कॉग्निजेबल ऑफेंस इज मेड, इन्फॉर्मेशन दी गई है, FIR को रजिस्टर करना ज़रूरी नहीं है, तो पुलिस क्या होगा, अगर लगता है कि भाई पुलिस को ऐसा लग रहा है कि हाँ ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है, तो पुलिस एक प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन कर सकती है ये देखने के लिए कि भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस है या फिर नहीं है। एक और केस देखिए, तेहल सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान 1989 का केस। यहाँ पर टेलीफोनिक मैसेज आया, तो इट इज़ ऑब्वियस पॉसिबल कि किसी ने टेलीफोन पर बता दिया फला फला जगह इस तरीके से क्राइम हो रहा है, तो क्या वो जो फला फला जगह पे बताया गया क्राइम हो रहा है क्या वो FIR में ले ले, तो कहा गया बिल्कुल, टेलीफोनिक मैसेजेस अगर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को दिए जा रहे हैं तो पर्सन जो मैसेज दे रहा है अगर वो एसर्टेन वन है, या मतलब निश्चित हो सकता है कि यही व्यक्ति इसने सूचना दी है, या फिर हो गया है या फिर हो सकता है, तो इन्फॉर्मेशन को बालिक कर लेगा पुलिस ऑफिसर 154 में और ये जो अपन है FIR के तौर पर इसको मान लेंगे।
जैसे कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी सूचना पुलिस के पास जाके तो व्यक्ति नहीं देता, वो सूचना कैसे दे देगी, फोन पे दे देते हैं, तो वो उसको लिख लेते हैं और वो जो है कैसे हो जाता है, वो FIR हो जाता है एंड इज नॉट क्रिप्टिव और इनकम्प्लीट इन एसेंशियल डिटेल्स एंड द इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजेस कमीशन। क्रिप्टिक नहीं होनी चाहिए, मतलब कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए उसके अंदर, कुछ भी सच समझिए ऐसा नहीं बहकाने के लिए हो रहा है। तो आइडिया बिहाइंड क्या है, हमने उसको लिख लिया है, सिग्नेचर उसके जब वो मिलेगा हम उससे ले लेंगे, तो बेसिकली फेथफुल वर्जन हो जाएगा उसके लिए, अभी के लिए हम लिख लेते हैं। 154 के सबसेक्शन 2 को इंटरप्रेट करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट वर्सेस NS गणेश्वरन 2013 के केस में कहा कि अगर FIR की कॉपी सप्लाई नहीं करते हैं किसको, FIR की कॉपी सप्लाई नहीं करते हैं किसको, इन्फॉर्मेंट को, जो कि सेक्शन 154 में, एक मिनट, सबसेक्शन 2 में कहा गया है कि जो है उसे करना पड़ेगा, ठीक है ना, करना पड़ेगा। तो उस केस में CRPC में विशिएट द ट्रायल इन एवरी केस, तो वो कैसे हो जाएगा भाई, ट्रायल विशिएट हो सकता है। एक और इम्पोर्टेंट केस आता है, कल्पना कुट्टी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2007 का ये केस है। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई थी ये FIR से रिलेटेड, कि जब भी पहली बात एक इन्फॉर्मेशन आती है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो उस केस में क्या करेगा, FIR को वो सबसे पहले रजिस्टर करेंगे। अगर इन्फॉर्मेशन जो रिसीव हुई है उसमें लगता है कि फर्दर इंक्वायरी की ज़रूरत है, तो प्रिलिमिनरी, मतलब लग नहीं रहा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पहले जांच ले परख लें, तो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लेंगे। अगर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ही डाउटफुल है कि पता नहीं किसने कंप्लेन कर दी है, तो वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यहाँ पर भी कर जो है उस चीज़ इन्फॉर्मेशन की जो सत्यता है उसको परखने के लिए, सत्यापित करने के लिए देख सकते हैं। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लेनी चाहिए। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सिर्फ उन्हीं केसेस में नहीं आती कि भाई अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, टॉप पोजीशंस पे बैठे हैं, तो उनके खिलाफ FIR आई है तभी हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे, नहीं। इट डिपेंड्स टोटली ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किसी भी केस में हो सकती है। रिट पटिशन आर्टिकल 226 में जाए या पटिशन 482 में जाए, अगर एक व्यक्ति के द्वारा फाइल होती है कि भाई मेकिंग ग्रीवाइंस की जो कंप्लेन है ना फाइल्ड बाय हिम, वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बताती है और पुलिस ने तभी भी रजिस्टर नहीं करी ऑफेंस, तो उसको कोर्ट जो है एंटरटेन करेंगे और ये जो है विल नॉट डिपेंड ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टांस ऑफ ईच केस। रियली वेरी इंपॉर्टेंट वन, एक और आस्पेक्ट आपके सामने आ गया इस केस के थ्रू। क्या हमने बोला कि पुलिस ऑफिसर अगर मना करता है नहीं FIR में कर रहा हूँ, तो 154 का सबसेक्शन 3 कहता है SP के पास आप रिटन इन्फॉर्मेशन पहुँचा दो, वहाँ से कुछ नहीं होता। 156 का सबसेक्शन 3 कहता है कि चलो ठीक है, आप जो है मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो आप मजिस्ट्रेट के पास चले जाओ, मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट कह देंगे, वहाँ कुछ नहीं होता। तो 482 हाई कोर्ट के पास चले जाओ कि हमारी जो है ये जो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कंप्लेन जो दे रहे हैं हम, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की है, बट हमारा पुलिस ऑफिसर जो है वो रजिस्टर ही नहीं करे, कुछ काम नहीं हो रहा, तो वहाँ हाई कोर्ट के पास पावर है। तो इतनी सारी सारी रेमेडीज हमारे पास हैं। तो ऑर्डिनरली जो अग्रीड पर्सन होगा शुड बी रेलीगेटेड टू अल्टरनेटिव रेमेडी, कि वो एक प्राइवेट कंप्लेन पे चला जाएगा अगर FIR नहीं हो रही। मैंने अभी आपको बताया वो कंप्लेन कर देगा मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट फिर उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर लगता है कि भाई नहीं जो है यहाँ से काम नहीं चल रहा, वो 482 में चला जाता है या 226 में चला जाता है, हाई कोर्ट के पास चला जाता है, तो ऑब्वियसली बात है कोर्ट इस चीज़ को देखेंगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, एविडेंट्री वैल्यू ऑफ FIR। तो FIR की एविडेंट्री वैल्यू क्या है, देखो मैं आपको एक सेंटेंस में बताऊँ, FIR इज नॉट ए सब्सटांटिव एविडेंस, ठीक है, FIR एक सब्सटांटिव एविडेंस नहीं होता, यानी जिसको भी कॉरोबरेट कर सकते हैं, कॉन्ट्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो कभी भी सब्सटांटिव एविडेंस नहीं होता। तो FIR जो होता है वो कैसी होती है, वो सब्सटांटिव एविडेंस नहीं होता। तो FIR की एविडेंट्री वैल्यू होती तो बहुत ज़्यादा है भाई, कोई भी स्टेटमेंट पुलिस ने इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड करा, उस स्टेटमेंट से सबसे ज़्यादा वैल्यू तो यू कैन से FIR की होती है। लेकिन अगर हम बात करें इज इट सब्सटांटिव एविडेंस, तो नो, FIR इज नॉट सब्सटांटिव एविडेंस, फर्दर कॉरोबोरेट और उसको कॉन्ट्रडिक्शन होता है, अपन पढ़ेंगे अभी इसको एविडेंस एक्ट के थ्रू। क्या FIR जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ऑब्वियसली बात है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एडिक्वेट सेफगार्ड्स दिए गए हैं कि एक्यूरेट होनी चाहिए, कि 154 कहता है उसी लैंग्वेज में आप रिकॉर्ड करेंगे जिस लैंग्वेज में इन्फॉर्मेशन ने सूचना दी। तो एविडेंट्री वैल्यू मैंने आपको बता दी, ये सब्सटांटिव एविडेंस नहीं होता, इसको कॉरोबोरेट और जो है कॉन्ट्रडिक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो कॉरोबोरेशन हम 157 एविडेंस एक्ट में करते हैं और कॉन्ट्रडिक्ट हम 145 में करते हैं। 157 क्या कहता है, कॉरोबोरेट
कोरोबोरेट करना संपुष्टि करना। संपुष्टि करने का मतलब बंदे ने पहले कोई और स्टेटमेंट बनाया था, अब वो कोई स्टेटमेंट बना रहा, तो हम कोरोबोरेट कर रहे हैं। तो बिल्कुल 154(7) में हम उसको कोरोबोरेट करते हैं। फिर उसके बाद में FIR जो होती है, हम क्या और कैसे कॉरोबरेट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कितनी जल्दी ये FIR बनाई गई। देखो, जितनी जल्दी FIR बनाई जाएगी उसकी वैल्यू इतनी उतनी होगी। यानी अगर आज ऑफेंस हुआ है और अगर 4-5 दिन बाद FIR हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें लगता है कि कहीं एम्बेलिशमेंट हुआ हो। यानी एम्बेलिशमेंट का मतलब कुछ ना कुछ जालसाजी हो गई हो, कुछ ना कुछ उसमें मतलब कुछ ना कुछ क्रिएट, मतलब कह सकते हो आपकी भाई कलर्ड वर्जन उसमें आ गया, या कुछ में उसमें मतलब पुताई कर दी गई, मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं लूप होल्स आने के चांसेस रहते हैं। कहीं ना कहीं वो हम कह सकते हैं कि बनी बनाई कॉनकॉटेड स्टोरी हो सकती है। तो देर आर फ्यू चांसेस कि मतलब क्या फ्यू क्या देर आर मैनी चांसेस कि इट इज़ पॉसिबल कि वो एक कॉनकॉटेड स्टोरी हो जाए, बनी बनाई कहानी पे आ जाए, या मिर्च मसाला डाल करके आ जाए FIR। तो दिस इज़ पॉसिबल। तो जितनी जल्दी हो सके FIR उतनी जल्दी ही होनी चाहिए, डिले नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर डिले को जस्टिफाई किया गया है। अभी मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी कि किन किन केसेस में डिले को भी जो है क्या किया गया है, माना गया है। जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस महाराज सिंह 2005 का केस है। यहाँ पर क्या हुआ, इंसिडेंट के होने के बाद जो क्राइम हुआ, उस क्राइम के होने के 10 दिन बाद FIR लॉन्च की गई। लेकिन उन्होंने समझा दिया है बात कि हम 10 दिन बाद क्यों आए हैं, क्योंकि हम जो प्रोसिक्यूट्रिक्स थी, हम ये सोच रहे थे कि उसकी फैमिली को लग रहा था कि अगर हमने FIR करवाई तो लोगों को पता चल जाएगा हमारी, मतलब एक सोसाइटी में सो कॉल्ड वैल्यू होती है सबकी। देखो, सबके लिए अलग अलग मैटर करती हैं चीज़ें। तो उनको लगा हम लोगों की नज़रों में हमारी इज्जत चली जाएगी कि अरे इनके साथ क्या हो गया। तो वो चीज़ों से बचने के लिए देवर इन डलाइमा कि भाई हम आगे इस चीज़ को रिपोर्ट करें कि नहीं करें, तो इसीलिए इतना देरी हुआ। तो ये चीज़, दिस वॉज रियली वेरी लाइक यू कैन से इनफ टू अंडरस्टैंड और टू एक्सप्लेन द थिंग्स कि हाँ, हम इमें इस वजह से देर ही हो गई, जो रीजनेबल था इसीलिए मान लिया गया कि चलिए देरी को हम समझ लेते हैं कि आपने करा, FIR में कोई गड़बड़ नहीं। ऐसा ही केस था पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद 1955 का केस। इंजर्ड पर्सन के जो रिलेटिव थे, वो उस वक्त उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम जाके पहले FIR कराएं कि पहले इस व्यक्ति को मेडिकल एड दें। तो उनका पूरा ध्यान इसी बात पे था कि भाई हमारे बंदा जो है वो बच जाए। तो इमीजिएट मेडिकल एड देने की तरफ उनकी प्रेफरेंस थी, तो इसीलिए FIR कराने में देरी हो गई। तो इट वाज आल्सो वेल एक्सप्लेन। ठीक है, अब 145, 157 कॉरोबोरेट तो करी था है, संपुष्टि तो करनी ही होती है FIR की। उसको जो है कॉन्ट्रडिक्शन भी हो सकता है। तो कॉन्ट्रडिक्शन कैसे होता है हमें पता है, एविडेंस एक्ट कहता है कि क्रॉस एग्जामिन जब करते हैं उसके प्रीवियस स्टेटमेंट को, जिस व्यक्ति ने बताए हैं जो उसने पहले लिखे थे। तो देखो, अगर हमें क्रॉस एग्जामिनेशन करना है तो उस केस में जो 145 है, दो चीज़ों को बताता है। एक तो कहते हैं क्रॉस एग्जामिन करना है तो उसे हम जो उसकी लिखी हुई चीज़ है वो नहीं दिखाते, लेकिन अगर कॉन्ट्रडिक्शन करना है तो उसकी जो लिखी हुई चीज़ है वो हम दिखाते हैं। जिस पार्ट पे हम कॉन्ट्रडिक्शन केस की बात लग ले रहे हैं, तो उस केस में कॉन्ट्रडिक्ट करना है तो उसके लिए हम उसको दिखाते हैं। तो जो FIR है उसकी जो एविडेंट्री वैल्यू है वो अदर देन अदर स्टेटमेंट विच हैव बीन मेड टू द पुलिस ऑफिसर, उससे तो ज़्यादा होती है जो FIR की जो एविडेंट्री वैल्यू होती है, जो बाकी के स्टेटमेंट बनाए जाते हैं पुलिस ऑफिसर को, उनसे तो ज़्यादा होती है। लेकिन स्टिल ये सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होता, उसको कॉरोबोरेशन और कॉन्ट्रडिक्ट किया जाता है। SK हासी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। तो यहाँ कहा गया 157 और 145 एविडेंस एक्ट की बात करें तो FIR जो है वो cannot be used for the purpose of corroborating or contradicting any witness other than the one lodging the FIR. बस सिंपल सी बात है, जिसने FIR लॉज करी है उसने तो स्टेटमेंट दिया है ना, उसी को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए और कॉरोबोरेट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज दिस FIR, है ना, 157 में 144 के 5 के अंदर। तो दिस इज वी हैव डन। अब आता है रोल ऑफ पुलिस, ये तो हमने कर लिया, मतलब दिस इज नॉट अभी का नहीं है, 155 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट वन कि केस अगर इस तरीके का आ जाए कि कॉग्निजेबल भी आ गया नॉन कॉग्निजेबल भी आ गया, तो उस केस में हमें पता है एक भाई स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेज शरद चंद्र साहू का ये केस है 1966 का, कि अगर कोई इसमें क्या हुआ था, 494 भी आ गया, 498A भी आ गया। तो 494 तो नॉन कॉग्निजेबल है और 498 अपन को पता है कि 498 क्या है, ए क्या है, वो अपन का कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो जब भी कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आ जाएगा तो हमें पता है कि पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट होगी, अब जो उसका प्रोसीजर होगा आगे का वो कैसे चलेगा, वो 155 का अपन पढ़ेंगे। मतलब नेक्स्ट अपन का सेक्शन यही होगा कि 155 जो पढ़ेंगे, दैट दैट इज रिगार्डिंग टू
सबसेक्शन 4 उसका, कि जब भी इस तरीके से हो, कॉग्निजेबल हो नॉन कॉग्निजेबल दोनों हो, तो किसके अकॉर्डिंग चलेगा? तो भाई कॉग्निजेबल के अकॉर्डिंग आप चलाएंगे। किसके अकॉर्डिंग चलाएंगे? आप कॉग्निजेबल के अकॉर्डिंग चलाएंगे। तो केस का नाम याद रख लेना, स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेज शरद चंद्र साहू 1966 का केस, राइट? केस का नाम याद कर लेना। तो ये हमारा आज का पूरा सेक्शन हो गया एंड 154। मैंने बेयर एक्ट से भी आपको समझा दिया, केस लॉज भी बता दिए, और ये भी बता दिया कि एविडेंट्री वैल्यू क्या होती है एफआईआर की। 157 और 145 के साथ पढ़ना, सबस्टांटिव एविडेंस नहीं होता है एफआईआर, कॉरोबरेट और कॉन्ट्रडिक्ट करा जाता है। लेकिन बाकी स्टेटमेंट जो पुलिस को दिए जाते हैं उनसे एफआईआर की वैल्यू ज़्यादा होती है, और अगर हमें पता है अच्छे से कि एफआईआर की वैल्यू जो होगी उसी बंदे के स्टेटमेंट से ज़्यादा होगी, उसी बंदे के खिलाफ होगी जिस बंदे ने एफआईआर कराई है, किसी और से हमें कोई मतलब नहीं है ना, बट ऑब्वियस ही बात है। अब बस जाते हुए क्लास में मैं बता दूँ आपको, आज के 12 बजे तक का आपके पास ये ऑफर है। अगर आप चाहें तो अभी भी आपके पास मौका है, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अभी भी टाइम बचते हैं, लगभग 2 घंटे बच रहे हैं, तो आप अभी भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको पड़ रहा है 47% ऑफ पे पड़ रहा है 24 महीने वाला सब्सक्रिप्शन, क्योंकि 30 महीने पड़ जाएंगे, और 12 महीने वाला 45 पे पड़ रहा है 67% में ऑफ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू जी, थैंक यू निशी, थैंक यू भारत, गुड नाइट, थैंक यू अखिलेश जी, सबस्टांटिव ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। हाँ, अगर डाइंग करेक्ट है सुदेश जी, आपने मतलब डिलीट क्यों किया, सही बात है, अगर वो डाइंग डिक्लेरेशन हो गई है तो सही बात है। वेरी थैंक यू सो मच फातिमा, यस, अगर वो बिल्कुल, अगर उसकी जो है डेथ हो गई है तो फिर वो डाइंग डिक्लेरेशन में डील हो जाएगा, सब्सटांटिव हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कॉरोबोरेट कहाँ से करेंगे, कॉन्ट्रडिक्ट कहाँ से करेंगे, उसको बुला नहीं सकते तो मजबूरी हो गई तो वो फिर सब्सटांटिव हो जाएगा, आपको डिलीट नहीं करना था, सही बात है वो, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।